असल स्टूडेंट टूडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स इन बेसिक ऑपरेटर्स आर दिम्बल परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन डेटा लाइक प्लस माइनस लेस दैन ग्रेटर दैन दीज इंक्लूड अरिथमैटिक रिलेशनल लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स आज हम अरिथमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन अरिथमैटिक ऑपरेटर्स राइट क्वेश्चन एक्सप्लेन अरिथमैटिक ऑपरेटर्स इन बेसिक अरिथमैटिकस आर यूज टू परफॉर्म अरिथमैटिक ऑपरेशन ऑन वैल्यूज और नंबर्स स्टूडेंट्स मैथ्स में हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं नंबर्स को एड करते हैं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को डिवाइड करते हैं इन द सेम वे अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन जी डब्ल्यू बेसिक यूजिंग डेटा वैल्यूज फर्स्ट वन इज एडिशन symbol for addition is plus algebraic expression is a plus p and in basic it is written as a plus p next is subtraction for subtraction symbol is minus or dash algebraic expression is a minus p and basic expression is also a minus b. for the operation of multiplication asterisk symbol is used algebraic expression is a cross b basic expression is a asterisk b next is division फॉर डिवीजन सिंबल इज़ फॉरवर्ड स्लैश अल्जब्राई एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन सेम है ए फॉरवर्ड स्लैश बी नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट और पावर सिंबल इज़ कैरेट और कैप सिंबल। अल्जब्राई एक्सप्रेशन इज़ ए पावर एन बेसिक एक्सप्रेशन इज ए कैरेट एन निगेशन सिंबल इज़ माइनस और डैश अल्जब्राई एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन सेम है माइनस ए माइनस ए मॉडुलस ऑपरेटर सिंबल इज एम ओ डी अल्जब्राइक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन सेम है ए मॉड बी इंटेगर डिवीजन बैक स्लैश इज़ यूज एज ए सिंबल अल्जब्राइक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन सेम है ए बैक स्लैश बी द यूज ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑपरेटर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेटा वैल्यूज नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट और पावर स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन भी हम मैथ्स में परफॉर्म करते हैं अभी इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंट की एग्जाम्पल है ये अल्ड्रब्राइक एक्सप्रेशन है ये बेसिक एक्सप्रेशन है यूजिंग कैरेट साइन आंसर दोनों एक्सप्रेशन का एट ही आएगा बस एक्सप्रेशन को लिखने का डिफरेंस है बेसिक में कैरेट सिंबल के साथ लिखा जाता है नेक्स्ट इज़ निगेशन निगेशन मीन डेटा वैल्यू को निगेट करना इसका अल्ट्रब्राइक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन है माइनस ए इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर नाइन डेटा वैल्यू है तो उसकी निगेशन से माइनस नाइन आएगा और अगर माइनस नाइन डेटा वैल्यू है उसकी निगेशन करें तो प्लस नाइन आएगा निगेशन का मीनिंग ही ये है कि डेटा वैल्यू का साइन चेंज कर दिया जाए अगर तो प्लस है माइनस कर दिया जाए माइनस है तो प्लस कर दिया जाए लास्ट टू ऑपरेटर्स हैं मॉडुलस ऑपरेटर इन डिवीजन ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेटर्स बाकी ऑपरेटर्स से थोड़े से डिफरेंट हैं स्टूडेंट्स इन डिवीजन ऑपरेशन वी राइट द क्वेश्चन आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस ये क्वेश्चन एक होल नंबर भी हो सकता है और एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसमें इंटेगरल और फ्रैक्शनल पार्ट हो यानी कि डिवीजन ऑपरेशन में हम पॉइंट के बाद भी डिवीजन का क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं और डिवीजन कौन सी होती है इंटेग्रल डिवीजन इंटेग्रल डिवीज़न वो डिवीजन है जिसमें हम क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते यानी कि पॉइंट लगा के उसके बाद फर्दर डिवीजन कंटिन्यू नहीं करते सिर्फ इंटेग्रल पोर्शन लेते हैं इंटेग्रल पोर्शन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर होता है अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे टू डेटा वैल्यूज़ हैं ए इज़ इक्व टू एट बी इज़ इक्व टू थ्री अब हम ए मॉडुलस बी देखेंगे क्या आंसर आएगा डिवाइड किया है ए डिवाइडेड बाय एट डिवाइड किया है थ्री टूज आर सिक्स टू इज़ द रिमाइंडर स्टूडेंट्स ये इंटेग्रल डिवीजन है इंटेग्रल डिवीजन में हम पॉइंट के बाद पोर्शन नहीं लेते क्वेश्चन में यहाँ पे पॉसिबल है कि हम पॉइंट लगाएं जीरो लगाएं और थ्री सिक्स आर एटीन से डिवाइड करते रहें फर्दर लेकिन इंटेग्रल डिवीजन में ये अलाउ नहीं होता इंटेग्रल डिवीजन में हम होल नंबर्स लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते तो मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर आएगा ये टू ये रिमाइंडर है तो मॉडल ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है तो ए मॉड बी का आंसर होगा टू और ये टू हमने कहाँ से लिया है इंटेग्रल डिवीजन से यानी ऐसी डिवीजन जिसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते क्वेश्चन में सो टू इज़ द आंसर ऑफ ए मॉड बी नेक्स्ट हम इंटेग्रल डिवीजन डिस्कस करेंगे इंटेग्रल डिवीजन को हमने मॉडल ऑपरेटर के एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था इंटेग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन द क्वेश्चन यानी कि हम पॉइंट नहीं लेते और पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखते तो इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लेट सपोज हमने टू नंबर्स को डिवाइड किया है डिवाइड करने के बाद आंसर आया है टू पॉइंट सिक्स फाइव ये बेसिकली क्वेश्चन है तो अगर हम डिवीजन ऑपरेशन करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी तो टू पॉइंट सिक्स फाइव आंसर आएगा यानी डिवीजन ऑपरेशन टू पॉइंट सिक्स फाइव रिटर्न करेगा लेकिन अगर हम ए बैक स्लैश बी यानी कि इंटीग्रल डिवीजन की बात करें तो इंटीग्रल डिवीजन में कोशेंट में फ्रैक्शनल पार्ट अलाउ नहीं होता तो आंसर क्या आएगा सिर्फ होल नंबर टू ए डिवाइड बाई बी इन डिवीजन ऑपरेशन वी राइट कोशेंट और कोशेंट में इंटीग्रल पार्ट भी होता है फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है नेक्स्ट इज ए बैक स्लैश बी इंटेग्रल डिवीजन कोशेंट में सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था मॉडुलस ऑपरेटर में भी इंटेग्रल डिवे नहीं होती है अगर इंटेग्रल डिवे नहीं होगी तो एक हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में रिमाइंडर भी नहीं आएगा